अस्सलामुअलैकुम, ये हूँ मैं जी द फातिह मॉस्क इस्तांबुल। ये बनी थी 1463 एंड 1470 के बीच में, और जब अर्थक्वेक आया था 1766 के अंदर तो ये तबाह हो गई थी। उसके बाद फिर इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया। ये नाम रखा गया है फातिह सुल्तान महमूद के नाम पर, जिसको कॉन्करर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है। और इसकी हिस्ट्री तो पुरानी है ही, लेकिन आज तक इन्होंने अपनी जो हेरिटेज है उसको रखा है, वैसे ही उसी अंदाज़ के अंदर इकामत होती है, उसके अंदाज़ से नमाज़ पढ़ाई जाती है। और बड़ी ही खूबसूरत मॉस्क है। ये अक्कासी करती है ऑटोमन एम्पायर, जो अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा उरूज पर था, ऑटोमन आर्किटेक्चर, उसकी अक्कासी करती है। आइए इसके अंदर देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमारी इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो मौजूद है। हम बड़े इम्प्रेस होते हैं लोगों को देख के, वेस्टर्न कल्चर को देख के, हम भूल गए हैं कि हमारी अपनी हेरिटेज भी है, हमने भी एक अच्छा टाइम देखा हुआ है जिसके अंदर हमारे पास सब कुछ था, एजुकेशन भी थी, वेलफेयर स्टेट भी था, और हमने भी तरक्की की थी। हम सिर्फ इंस्पायर होते हैं आज के लोगों को देख के, लेकिन अगर आप आते हैं जैसे कि पाकिस्तान में देखें, टर्की देखें, ईस्टर्न और कंट्रीज़ हमारी देखें, तो आप इम्प्रेस होते हैं, देखते हैं कि वाकई चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं। हम चाहें तो हम कुछ कर सकते हैं। ये बिल्लियाँ आपको पता है कि टर्की की शान है, और आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी पुरानी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। ये इनका ग्रेवयार्ड है। अस्सलामु अलैकुम या अहले कबूर। और यहीं पर ही सेंटर में फातिह की कब्र भी मौजूद है। ये मस्जिद का फातिह मॉस्क का है, और यहाँ पर अंदर मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये है जी फातिह की कब्र। अगर आप आर्किटेक्चर को देखें तो आपको रोमन भी नज़र आएगा कल्चर इसके अंदर, आर्किटेक्चर, और इस तरीके से आपको इसके इनके डिज़ाइंस के अंदर पर्शियन भी नज़र आएगा। तो ये टर्की की बात ही यही थी और है कि ये जो है ना वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का सेंटर है। आइए अंदर देखते हैं मस्जिद को।